नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज आपके आगे लेके आ गए हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा VXI CNG का एक माइलेज टेस्ट। दोस्तों, लास्ट टाइम जब मैंने टियागो CNG का माइलेज टेस्ट किया था तो आपने कहा था 1 किलो गैस डलवा के टेस्ट करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है, तो मैंने इसका आपको फुल टैंक मेथड से भी माइलेज दिखा दिया है। और अभी आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें मैंने अभी इसके अंदर 1 किलो CNG भरवाने के लिए बोला था, बट एक्चुअली 950 ग्राम के आसपास CNG डली है। तो चलिए, ट्रिप को ज़ीरो कर दिया मैंने, ट्रिप ए भी और ट्रिप बी भी। बाकी CNG इस टाइम ब्लिंक हो रही है, आप देख सकते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ओडो की रीडिंग भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है, AC 2 पे ऑन रहने वाला है, आप देख सकते हैं। और ओडो की रीडिंग दिखा देता हूँ, तो 20929। बाकी जस्टिफाई तो आपको ट्रिप ए और ट्रिप बी ही करेगा। CNG अगर आप यहाँ देखेंगे तो CNG इस टाइम भी रिज़र्व में ही चल रही है, 1 किलो डलवाने के बाद भी। बट एक्चुअली हम कैलकुलेट करेंगे जितनी आई है उससे कि आखिर किस हिसाब से CNG चल रही है। 1 किलो, till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो दोस्तों, 5 किलोमीटर हो चुके हैं और CNG अभी तक चल रही है। बाकी उम्मीद है अराउंड 20 किलोमीटर प्लस एवरेज ये निकाल के दिखा देगी। मीटर की तरफ आप देख सकते हैं तो 5.7 किलोमीटर चल चुकी है। हालांकि हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से ही CNG अपनी रिज़र्व के अंदर थी। तो चलिए देखते हैं आखिर कैसी परफॉर्मेंस आती है और क्या आउटपुट निकल के आता है। 1 किलो माने या 950 ग्राम माने, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि CNG प्रेशर से आती है और कभी भी एग्जैक्टली फिल नहीं की जा सकती जैसे पेट्रोल किया जाता है। बाकी दोस्तों, टाइम लैप्स आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और ये पर्टिकुलर वीडियो मैं सिटी एस्पेक्ट से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और नोएडा की सिटी में ही मैं घूमूंगा। उसका रीज़न है क्योंकि हाईवे माइलेज टेस्ट में आपको पिछले वीडियो में एक आइडिया दे चुका हूँ। चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं टाइम लैप्स के साथ और फिर आपको अपना आउटपुट देते हैं अराउंड 5-6 किलोमीटर के बाद। Shadow turns to sun rays and on we'll go. दोस्तों, 5 और किलोमीटर हो चुके हैं और यहाँ पे मीटर पे आप देख सकते हैं तो एग्जैक्टली 10 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और CNG का वही आउटपुट है अभी तक। कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। बाकी आपको कितनी उम्मीद है कि 950 ग्राम या 1 किलो CNG में कितनी गाड़ी चल जाएगी और रोड कंडीशंस वगैरह आप टाइम लैप्स के थ्रू देख ही पा रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा ट्रैफिक है, बाकी रोड कंडीशन कोई हाईवे और सिटी में तो कोई कंपैरिजन होता नहीं है। उसके अलावा बीच बीच में स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, बीच बीच में लोग आ रहे हैं, तो इस एस्पेक्ट से मेरे को लग रहा है माइलेज कहीं ना कहीं ड्रॉप हो सकती है। और हाईवे में तो मैंने काफ़ी अच्छी क्लेम्ड माइलेज से भी ज़्यादा माइलेज इस गाड़ी से निकाल ली थी। बाकी दोस्तों, क्लेम्ड माइलेज बता देता हूँ आपको एक बार दोबारा, तो 26.08 की क्लेम्ड माइलेज इस गाड़ी की रखी गई है। दोस्तों, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो रहा था इसलिए चलती गाड़ी में आपको नहीं दिखा पाया बता पाया। और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, 16 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और अभी तक तो गाड़ी इजीली CNG पे ही चल रही है।
जैसे ही कोई अपडेट आता है, कोई चेंजेस होते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस में, या गाड़ी झटके मारती है, या कुछ भी मेरे को फ़र्क लगता है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। 5 minutes later तो दोस्तों यहाँ पे एक और बार मैंने रोक ली है, और ये आप देख सकते हैं सीएनजी का जो एक बार ऑन हुआ था 1 किलो सीएनजी डलवाने पे, वो अब ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया, बट गाड़ी स्टिल सीएनजी पे और एसी स्टिल ऑन है 2 की फैन स्पीड पर। चलिए अब इंतज़ार रह गया है कि गाड़ी पेट्रोल पे कब आती है, और जैसे ही पेट्रोल पे आती है तो इसकी माइलेज हमें पता लग जाएगी कि अराउंड कितनी माइलेज ये दे जाती है सीएनजी के अंदर। दोस्तों फाइनली सीएनजी ख़त्म हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं ऊपर ब्लिंकर भी आ रहा है सीएनजी का, और नीचे आप देखेंगे तो अब गाड़ी पेट्रोल पे आ चुकी है। कोशिश करता हूँ इसे सीएनजी पे डालने की। तो ये आप अगर नोट करेंगे तो गाड़ी सीएनजी पे अब नहीं जा रही है। तो दोस्तों सिटी में और ट्रैफिक में स्पीड ब्रेकर्स के साथ, ख़राब रोड के साथ, लोगों के आने के बाद अगर 23.6 ये दे रही है, और ये 95% सीएनजी थी अगर 1 किलो से कैलकुलेट करें, तो मेरे हिसाब से 5% यानी कि 24.5 के आसपास की माइलेज सिटी में भी अगर ये गाड़ी दे रही है तो पूरी तरह से पास है ये गाड़ी माइलेज के मामले में। चलिए दोस्तों इस माइलेज टेस्ट में बस इतना ही। आप अपने थॉट्स बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। धन्यवाद। वैसे 60 रुपये में ये गाड़ी अराउंड 24 किलोमीटर चली है, तो रनिंग कॉस्ट आपकी आ जाती है 2 रुपये से हल्की सी ऊपर।